वेलकम स्टूडेंट्स, हम अभी स्टडी कर रहे हैं रेशो एनालिसिस को। रेशो एनालिसिस कैलकुलेट करने के हमारे कई सारे बेनिफिट एडवांटेज हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस हम कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमें रेशो एनालिसिस करने में। क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस ये हैं कि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो एनालिसिस देखा तो काफी टाइप्स ऑफ रेशो एनालिसिस है। मेजर हमारे 3 पार्ट्स में है, लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 3 टाइप्स ऑफ रेशियो में भी काफी टाइप्स के रेशियो है जिनको हमें कैलकुलेट करना है। तो मींस अगर हमें कोई भी पोजीशन को एनालिसिस करना है, अगर मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, करंट पोजीशन देखनी है, तो मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अगर मुझे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए देखना है कि मेरी इक्विटी की क्या पोजीशन है, तो मुझे इक्विटी रेशियो एनालिसिस करना होगा। अगर मुझे ये देखना है कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट देखना होगा। मतलब कि किसी भी एक रेशियो कैलकुलेट करने से मैं एक ही इंफॉर्मेशन को गेन कर सकती हूँ। तो लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो, कि एक सिंगल रेशियो का हमारा एक लिमिटेड यूज होता है जिससे हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट थिंग कि ये जो स्टैंडर्ड, इनसे हमारे रेशो का थंब रूल है कि भाई हमारा 2:1 आना चाहिए करंट रेशो, या कोई भी रेशो का इतना ड्यूरेशन ही होना चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड है, एक्यूरेट स्टैंडर्ड बना दिया गया है। पर वो हम 100% उस पर श्योर नहीं हो सकते कि ये एक्यूरेट सही है। वो डिपेंड करता है कंपनी के या फैक्ट्री के नेचर के ऊपर कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है कि कंपनी का नेचर ऐसा हो जिसमें हमें लिक्विडिटीज को ज्यादा रखना है, तो हमारी करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी इन्वेंट्री, हमें नहीं रखना स्टॉक, तो उसमें कम आएगा। तो हम एक्यूरेट पोजीशन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए एक लिमिटेशन हमारी ये भी हम फील करते हैं। ये जो पूरी लिमिटेशन हमारी अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है, हमारा जो रेशियो एनालिसिस है पूरा अकाउंटेंसी पर ही डिपेंड करता है। जो हमारे अकाउंट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, हम उसी तरीके से इसको रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस है उसको भी हमें अकॉर्डिंग टू टाइम हम चेंज नहीं कर पाते। अगर हमें ऐसा लगता है कि अकाउंटेंसी में ये चीजें चेंज होना चाहिए जिससे कि मैं रेशियो एनालिसिस को प्रॉपर कैलकुलेट कर पाऊं, तो वो प्रॉपर पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो इस कारण कई बार हमें दिक्कत आती है। तो इस तरीके की लिमिटेशंस हम फेस करते हैं कि भाई जो बिजनेस का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको डिजाइन कर पाएंगे, उसमें पर्सनल डिसीजन ले पाएंगे या उसको कंपनसेट कर पाएंगे, उसके फिगर्स को हम देख पाएंगे, उसके प्राइस लेवल को चेंज कर पाएंगे। रेशो का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। लिमिटेशंस जो हैं हमारी, उनको ध्यान में रखते ही हुए हमें रेशो एनालिसिस करना होता है, क्योंकि रेशो एनालिसिस के बेस पर हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। हम ये बताते हैं कि क्या हमारा ये रेशो चल रहा है, हमारे पास ये 2 जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या पोजीशन है। तो ये हम लिमिटेशंस में रहकर करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि एक्यूरेट रिजल्ट हम बता पाए। थैंक यू वेरी मच।